माता की। तो आज है ना अपन चल रहे इंदरगढ़ के लिए। अब छिवाड़ या इंदरगढ़, जो कि टाइम है ना 5:35 हो चुके हैं और शाम के 5:35 सुबह के नहीं, और अभी निकलते हैं इंदरगढ़ के लिए। हो सकता है तो छिवाड़ भी जा सकते हैं। और आपको जैसे मालूम है भैया, आजकल लॉकडाउन है ना, 7 बजे लॉकडाउन लगना स्टार्ट हो गया है। अब पता नहीं, जैसे भी है भगवान की कृपा के ऊपर चलेंगे, तो फटाफट चलते हैं। तो यह अपने जयपुर के अंदर सांगानेर की पुलिया, और इधर में है एयरपोर्ट। राकेश भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, कितनी देर में आते हैं। ओ ये आ गए हमारे राकेश भाई, क्या बात है राकेश भाई, आज तो जींस टी शर्ट है, रिकॉर्ड तोड़ दिया भैया, जींस टी शर्ट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं भाई। तो फाइनली राकेश भाई आ चुके हैं, और है ना आधा घंटा हो गया यहाँ पे इंतजार करता है। नहीं अरे यार ये तो गलत भाई, ये ना वीडियो जैसे खत्म होते ना, लात पूछे चल जाते। तो 15 मिनट हो गए इंतजार करते, तब है ना राकेश भाई भी बाइक लेके आए और मैं भी लेके आया, और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि भाई क्या बताए। तो फटाफट से ना एक बाइक को तो अपने ना साइड पे खड़ी करते हैं, वैसे अपने जाने वाला है लेकिन माता रानी जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो, वैसे तो चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों ये अपनी राम प्यारी को यहाँ खड़ी कर दी है, और ये है ना ये अपनी साइड है जहाँ फर्नीचर का काम हुआ है, और ये हमारे पेंटर बाबू किधर गए भैया। गाड़ी राकेश भाई, दो गाड़ी ले चलने से कोई मतलब नहीं है। तो ये फर्नीचर का काम अपना चल रहा है, और ये देखो अरे गुड्डू भैया। तो भाई लोग अभी निकल चुके हैं अपन साइड से, और वहां पे क्या अब वीडियो बना रहे, तो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। बाइक देख के तो आप पहचान ही गए होंगे कि भैया राकेश भैया की बाइक जा रही है इस बार, क्योंकि माइलेज के अंदर है ना इसका और भी अच्छा माइलेज, और पेट्रोल 100 रुपये कितने 98 है 97, हाँ 100 रुपये मान लो आप, तो 100 रुपये लीटर हो गया। और भाई लोग वो सामने में पुलिस वाला दिख रहा है ना, जो अभी एक अंकल से पैसे लेके गए बेचारे से। और पता नहीं कैसे ना कैसे मजदूरी करके, तो यार कोई मेहनत करके बंदा चलाता होगा गाड़ी, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया वैसे ही। अरे चालान तो पता नहीं बनाया नहीं बनाया, वो तो पैसे लेके गया क्यों राकेश भाई। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखो सर भैया, पहले पेट्रोल पंप पे रोक लो अपने। ओ भीड़ देखो पेट्रोल पंप पे, अरे नहीं डलवा लो यार, चलो आगे चलो। तो दोस्तों अभी यहाँ रुके जय जगदम्बा पवित्र भोजनालय पे, तो यहाँ चाय आई पियेंगे और चाय पी के निकलेंगे, और आज नाइट अपनी और अपनी माता रानी की माता तो भाई आज माता के नाम से चलेंगे। बस ये है कि भगवान से प्रार्थना ये है कि अच्छे से जाएं, अच्छे से आ जाएं घर पे वापस। और क्या कहना चाहोगे? तो क्या बताए आपको, देखो माता की हम लोग दर्शन करेंगे, साथ में आपको भी दर्शन कराते हैं माता की। तो जोर से बोले जय माता की, सारे बोलो जय माता की। तो भाई लोग अभी क्या है 10 बज चुके हैं, और राकेश भाई है ना मूंछ के ताव लगा चुके हैं। देखो अभी इतनी बड़ी मूंछ है नहीं अपने, लेकिन फिर भी ताव तो जरूरी लगाना, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम हो रहा है रोमांटिक। और राकेश भैया की भी है ना देखो लाइट है ना अच्छी लगी हुई है, तो इनकी है ना लाइट चढ़ा के है ना, ये जो फेस पे जो रोशनी आ रही है ना वो लाइट की वजह से आ रही है। और 10 बज चुके हैं, और अब इंदरगढ़ करीब है ना 50 किलोमीटर रह चुका है यहाँ से, 50 या 60 किलोमीटर, हाँ मतलब लगभग इतना ही है। और अपनी राम प्यारी को नहीं लेके आए, क्योंकि राम प्यारी इसलिए नहीं आई कि ना वो थोड़ी नाराज हो रही है भाई, नाराज है कुछ पार्ट्स वार्ट्स दुख रही, जैसे अपने शरीर के हाथ पर दुखते हैं ना तो उसकी थोड़े पार्ट्स में दिक्कत है भी। उसमें मेन क्या है थोड़ी है ना ब्रेक है ना कम हो गए, तो इस वजह से फिर मैंने रिक्शा नहीं लिया, मतलब ब्रेक सिटी राइड के लिए तो बहुत है, हाईवे के लिए ना इतना सही नहीं है,
तो बाकी है ना थोड़ा भोजन वोजन करेंगे और उसको क्या है अपना ना निलाते कम ही है क्योंकि भैया नजर लगने का भी तो डर है ना। हाँ बिल्कुल सही बात देखो, है देखो कपड़ा अपन मारते नहीं है डायरेक्ट है ना, 6 महीने में सर्विस ही करते हैं उसकी धोने की, बाकी ऑयल पानी तो कंप्लीट है ना गाड़ी का बिल्कुल। फिर भी क्या ब्रेक थोड़ा कम लग रहे थे इस वजह से फिर रिक्स लिया नहीं, लेकिन अपने हायाबुसा ओके बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं है ऐसी। और इनकी हायाबुसा ना भैया 70 का माइलेज देती है, 70 का माइलेज देती है, वैसे माता रानी कृपा है अपने पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो बस अब निकलते हैं, करीब 60 किलोमीटर है, तो जय माता की, जय माता की भाई। तो दोस्तों अभी है ना उनियारा की तरफ हम पहुंच चुके हैं और जो कि उनियारा के अंदर ही चल रहे हैं, और ये राकेश भैया की हायाबुसा और सामने में ट्रक चल रहा है, रोड एक नंबर है अभी तक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों जी राकेश जी, बिल्कुल तो जोर से बोली सी बात है, क्या बात है की। और भाई लोग आप ऐसे मत समझना कि राकेश भैया ही बाइक चला रहे हैं, भैया मैंने भी चलाई है और राकेश भाई भी पायलट है, तो अपन तो खैर अनाड़ी है ही तो अभी यहाँ रुके हैं ना HP के पेट्रोल पंप पे, जो कि है ना लॉकडाउन के चलते हुए हम घर से ही खाना है ना घर से ही पैक करवा के लेके आए थे, क्योंकि कोई पता नहीं है भैया कोई ढाबे वाबे मिले या नहीं मिले या बंद मिले, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ ढाबे पे अच्छे से आ गया ना, काफी जगह है, हम पहुंच चुके हैं पीछे के अंदर, अभी देख के आए टेबल वेबिल लगी हुई है, तो वहाँ बैठ के अच्छे से खाना खाते हैं फिर इंद्रगढ़ के लिए निकलेंगे। और लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी है ना बटन दबा दो, बिल्कुल ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। वैसे देखो ये एक चीज है ना, मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लेकिन भाई करो यार सपोर्ट, क्यों जी बिल्कुल सही बात है, सपोर्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि तब खाना वाना खाते हैं, आपको धार्मिक स्थल पे ले जा रहे हैं और माता जी के दर्शन कराए तो लाइक करना तो आपको बनता ही है। तो जिससे नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर आपको इंद्रगढ़ के माता जी की जो है ना वो दर्शन करवाएंगे। तो बाकी खाना खाते हैं, निकलते हैं इंद्रगढ़ के लिए, और करीब कितना भाई कितना बचा, 40 या 40 किलोमीटर बचा है बस इंद्रगढ़, तो अब मिलते हैं खाना वाना खा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। तो ये आ गया ऑफ रोड जो कि 25 किलोमीटर के लगभग ऑफ रोड पे जाया है, कहीं कहीं पे रोड बना हुआ है, कहीं कहीं पे ऑफ रोड है, ऑफ रोड का भी मजा लिया जा रहा है यहाँ। इंद्रगढ़ है ना माता जी के पहुंच चुके हैं, जो ये मेन गेट देख रहा है आपको, मेन द्वार है यहाँ पे। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो भैया क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और जो बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पे दबाना है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और राकेश भाई की वजह से है ना घंटी को है ना ऑल पे सेलेक्ट कर लो ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। और है ना इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल देखने को मिलेगा आपको, तो इस वीडियो का क्या है वीडियो काफी लंबी हो जाएगी इस वजह से इस वीडियो को यही एंड करते हैं। तो ठीक है भाई, राम राम। राम राम भाई, ठीक है।